बिहार की राजधानी पटना को आज अपना नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। इसको लेकर पटना के बोरिंग रोड स्थित एन कॉलेज में मतगणना जारी है। आपको बता दें कि बोरिंग रोड में गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पटना नगर निगम सीट पर इस बार महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। पटना नगर निगम में इस बार मेयर पद के लिए 32 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पटना नगर निगम चुनाव के वोटिंग की ताजा जानकारी के अनुसार मेयर पद के लिए सीता साहू 5300 वोटों से आगे चल रही हैं। इसके अलावा वार्ड पार्षद में दीता रानी 8 नंबर वार्ड से जीती हैं। वहीं पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 21 से श्वेता रंजन ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा वार्ड नंबर 38 से आशीष सिन्हा को जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि 47 नंबर वार्ड से सतीश गुप्ता ने जीत दर्ज किया है। इस बार पटना नगर निकाय चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर का रिजल्ट शाम तक आएगा। इसके साथ ही इस बार एक प्रत्याशी के साथ एक एजेंट को मतगणना केंद्र जाने की अनुमति मिली है। जानकारी हो कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। 23 जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 39 नगर पंचायतों का परिणाम आज आना है। 28 दिसंबर को 1665 पदों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 1529 वार्ड पार्षद, 68 उप पार्षद, 68 मुख्य पार्षद पद के लिए किस्मत आजमा रहे कुल 11127 प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि पटना नगर निगम के आज चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं। मतगणना 8 बजे से शुरू हो गई है। वोटों की गिनती से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होता है। 70 सालों बाद राज्य में पहली बार जनता मेयर डिप्टी मेयर चुन रही है। इससे पहले वार्ड पार्षद चुनते थे। इस चुनाव में 32 महापौर और 16 उप महापौर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोक आवाज। धन्यवाद।